आगे सब जी क्या तुम ला तुम नमस्कार जी अपना नाम बताइए प्रीति जी प्रीति अच्छा प्रीति जी हमें बताइए 25 आदमी का खाना आप बना दिया आपको दिक्कत नहीं होती नहीं जी अच्छा आपके माता पिता का क्या नाम है और आप कहाँ से हैं ये बताओ लोटनी से सहारनपुर सहारनपुर से देखो इतने भाई इतना काम ज्यादा कर लिया आज में इतना काम कम क्या नहीं नहीं बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी बड़ी भाभी हाँ जी हाँ तो जो ये है जी जी इनके योगदान से ही सब कुछ हुआ है क्या अन्य की चाय बेची 25 रुपए की चाय बेची 25 रुपए की चाय बेची 85 को खोकर रखा जाके अच्छा 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 और जी बस योग मना मना मुझे करते रहे अंधी जाओ भी जाओ खोका बंद नहीं जाओ मेरा खोका बंद नहीं हुआ चाहे तूफान हुआ चाहे अंधी चली अच्छा दोनों बाबू बेटा साइकिल में बुढ़िया बोर्ड बना और सहसा चलते रहे अच्छा और जहाँ खोका खोल जाए बारिश में चार लेबर को चार अन्य की चाय मतलब अपने काम पर आपने पूरा ध्यान केंद्रित रखा दारू अंडा मच्छी कोई मेरे बच्चों बाप नहीं ना मेरे बाप दोस्तों मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में और किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आए हैं गांव पुरबालियान में जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है चंद्रपाल जी के यहाँ आने का मकसद आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे चंद्रपाल जी से जिनके परिवार में 35 सदस्य हैं सॉरी जिनके परिवार में 27 सदस्य हैं और सब इकट्ठे रहते हैं एक ही चूल्हे पर रोटी बनती है और इस इंसान ने जीवन में इतनी मेहनत की है जो कुछ भी है सब जीरो से स्टार्टिंग किया है आज इनके पास 3-3 होटल हैं सब इकट्ठे रहते हैं इनसे जानेंगे इनके बारे में सबसे पहले अपना नाम बताओ अपने पिताजी का नाम बताओ चंद्रपाल अच्छा सुनो श्री चंद्रपाल जी अच्छा आपका नाम पलटू जी अच्छा हाँ हमने सुना है आपने जीवन में बहुत मेहनत की है जीरो से स्टार्टिंग की है हाँ जी आपके जब पिताजी हैं आपके नहीं बहुत काफ़ी जब गुजरे आपको क्या देखे गए थे संपत्ति क्या देखे संपत्ति कुछ नहीं थी कुछ नहीं था मजदूरी करना खाना करना था आज आपके पास 3 होटल हैं 27 आदमी है ना 25 आदमी एक साथ रहते हैं तो कैसे किया ये बताइए मैं कैसे किया जी बच्चों ने मजदूरी कर दरा मेरे मजदूरी कर दरा अच्छा अच्छा फिर ये बच्चे फिर छड़ाया बड़ा लड़का आया अच्छा लावा लगाया ये बड़े लड़के हैं ये छोटे छोटे थे अच्छा 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 ये वाला गिल रहा खोखा जा बनाई अपने अच्छा हमने आपका देखा वो खोखा था उसी से किया उससे किया अच्छा चार आने की चाय बेची 25 रुपए की चाय बेची 85 खोखा रखा जाके अच्छा 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 और जी बस योग मना मना मुझे करते रहे अंधी जाओ भी जाओ खोखा बंद नहीं जाओ मेरा खोखा बंद नहीं हुआ चाहे तूफान हुआ चाहे अंधी चली अच्छा दोनों बाबू बेटा साइकिल में बुढ़िया बोर्ड बना और सहसा चलते रहे अच्छा और जहाँ खोखा खोल जाए बारिश में चार लेबर को चार आने की चाय मतलब अपने काम पर आपने पूरा ध्यान केंद्रित रखा दारू अंडा मच्छी कोई मेरे बच्चों बाप नहीं ना मेरे बाप 5 लड़के हैं जी जी ना दिलबाग ना बुढ़िया वगैरह कुछ नहीं अच्छा अच्छा मतलब दारू तो बहुत चीज है बगल है जी वो बुढ़िया बीड़ी सिगरेट 5 लड़के हैं कुछ नहीं है कोई आप नहीं लड़के बढ़िया हिसाब से बच्चे ऐसे वाला सब बिछूद है अच्छा अब हमें चंद्रपाल जी आप ये बताएं अभी आपके पास कितनी जमीन है जमीन तो छोड़ गया कितनी है बता दो 10 बीघे जमीन है 8 थी मेरे पास 10 बीघे है अब 10 है फिलहाल अच्छा 10 बीघे जमीन पिताजी पर कुछ नहीं था अजी कुछ नहीं दो अपने इन लड़कों ने करी अपना तो अच्छा इन्होंने की बाप की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी बिल्कुल भी अच्छा ना आपकी थी ना मेरी थी अच्छा अच्छा ये तो इन बच्चे लाओ लगे जब जाकर प्रॉपर्टी छोड़ दी 10 बीघे जमीन नई नहीं करवाई हमने बड़े वाले कैसे किया आप बताओ कैसे किया आपने हमने एकजुट ये ले जो तरक्की परिवार की है हमारे एकजुट होने से हमारी तरक्की हुई है और हमने भैया भी मतलब हमारे साथ लगे बेचारे ये भी कोई बीड़ी सिगरेट शराब हम नहीं पीते थे ये भी नहीं पीते थे बहुत मेहनत मजदूरी कर करके खूब तरक्की करी पापा जी ने और हमने बहुत मेहनत करी अच्छा अभी आपका ये घर देख रहे हैं बहुत शानदार घर बनाया है हाँ मेहनत कर करके पांचों भाइयों ने मिल करके बनाया हमने अच्छा हाँ सब एक साथ में रहते हैं गाँव में 7-8 मकान है हमारे मगर एक मकान में रहते हैं इसी मकान में सारे हम ये रहते हैं शाम को हम अपनी मम्मी पापा के पास बैठते हैं सारे भाई अच्छा, तो हमें आनंद आता है इसमें अच्छा, हमें बहुत आनंद आता है जब अपनी मम्मी के हम काम करके शाम को आते हैं अच्छा, और शाम को अपनी अम्मा के पास बैठते हैं हमें सारे भाई हमें खूब आनंद आता है अच्छा, और
हमें एकता की वजह से हमें सफलता मिली है भाई। पांच भाई हम कमा के ला रहे, एक ही चूल्हे पर रोटी बननी हमारे, एक तवे पर रोटी बनती है सबकी, 25 सदस्यों की एक ही तवे पर रोटी बनती है हमारी। तो रोटी हमारी जो भाइयों की बहू है हमारी ये बनाते, छोटी बहू बनाती है हमारे यहाँ अकेले, हाँ दो बनाती है, एक एक सेकती है एक बेलती है, नहीं कुछ नहीं तो फिर तरक्की नहीं हो पाती। जो जो हमारे में एकता ना होती और जो संगठन ना होता फिर तरक्की का तो मतलब ही नहीं होता, वहां तो झगड़ा ही होता, लड़ाई होती। तो हमारे में बहुत प्यार है, भगवान सबको देवे, परमात्मा भोले भंडारी शिव जी महाराज सबको देवे। अच्छा अभी हमें आप ही बताओ आपके पास तीन कितने होटल बताए थे आपने? हमारे फिलहाल तीन है, ढाबे हैं, तीन ढाबे 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 हैं जी, ढाबे हैं। अच्छा कितनी कमाई हो जाती है अभी? अरे कमाई की तो ऐसा भाई देखो ये तो करने खाने लायक अपने घर की गुजारा हो रहा। हाँ जो है सबसे बड़ी तरक्की है, गुजारा हो रहा, सबसे बड़ी तरक्की यही है, जहाँ एकता होगी वहाँ सब प्रभु की छाया होगी और वहाँ तरक्की होगी हर जगह, कोई भी हो, चाहे मजदूर हो, बिजनेस वाला हो, कोई भी हो। और जहाँ झगड़ा होगा, जहाँ लड़ाई होगी, जहाँ एकता नहीं होगी, वहाँ तो चाहे कितनी आमदन हो, कितने पैसे कमा लो, वो भी फिर भी बेकार है जीवन। पहले मुझे आप ये बताइए आपने आपको कुछ कहाँ से मिला, मतलब आपको पहली सफलता की सफलता अच्छा बोलते हैं पहली सीढ़ी कैसे मिली? पहले आपके पिताजी खोखा करते थे। पापा ने फिर उसके बीच में हमारी ठेकेदारी करी, ये फैक्ट्रियों में ठेकेदारी करी हमारे पापा ने, तो हाँ ठेकेदारी करी पापा ने और हमने खोखे पे काम करा। तो हमने धीरे 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 दो दो पैसे कमा करके हमने गरीबी देख रखी थी ना, तो हमने कोई आजीवन बीड़ी शराब पुड़िया आज भी तक कोई पता नहीं। तो यही लक्ष्य रहा भाई, कुछ तरक्की करे। और तो भाई भी अच्छे निकल गए, हम भी अच्छे निकल गए और पापा भी अच्छे थे, तो हम तरक्की कर गए। और जो मतलब हम भाई गलत चलते या शराब पीते बीड़ी पीते, तो वह है ना जो बड़ा होता है तो रेल का इंजन होता है, और जब रेल का इंजन सही पटरी पर गुजरेगा तो डब्बे अपने आप सही चलेंगे, और जब रेल का इंजन ही पटरी से उतर जाएगा तो डब्बे तो अपने आप बिगड़ जाएंगे। तो घर का जो बड़े सदस्य है जो वो सही चलेगा, लाइन पे चलेगा वो, तो पिछले वाले अपने आप ही सही चलेंगे। पंचों की शादी होगी आज, सब बराबर हो गया आज, ये 4 तारीख हुई। अच्छा चलिए अब हमें अपना मकान घुमाइए। तो हमारे पे सब तो कमरे है, हर एक बहू को एक कमरा चाहता है। अच्छा अच्छा एक तो तीन नीचे तीन कमरे हैं, ऊपर दो है। अच्छा उससे ऊपर भी है। ठीक ठीक जी। अच्छा ये भाई माता जी, ये हमारी माता जी है। नमस्ते। हाँ आजोल नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ये देख लो जी इनका आपको दिक्कत होगी, आप जेठ होंगे ना। ठीक है जी, इनसे बात करवाएंगे। इनके आपका छोटे भाई है ना? ये छोटे भाई है। ठीक है जी। अच्छा अपना नाम बता दो एक बार जी। नमस्कार जी, जी मेरा नाम अर्जुन है जी। अच्छा चलिए अपना घर घुमाइए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे ना, तो वे पल्ला वल्ला करेंगे, भी दिक्कत आएगी। जो बड़े भाई है इनका कमरा है। अच्छा ये उनका कमरा है। जी 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 जी, जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे। जी जी जी, नहीं जी नहीं, काले भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया जी, देख लो कमरा है इनका। चलिए इधर चलते हैं। इधर लाइट कहाँ चली गई? हाँ जी अब आ जाएगी। लाइट जला दो भाई, आगे आगे जी, आगे आगे। ठीक है, ये इनका दूसरा कमरा है जी। ठीक है, ये बच्चे हैं जी। अच्छा ये बच्चे हैं। अच्छा ये हमारी सबसे बड़ी भाभी है जी। अच्छा सबसे बड़ी भाभी। हाँ जी हाँ। तो जो ये है जी जी, इनके योगदान से ही सब कुछ हुआ है जी। क्योंकि जब ये आप अपना नाम बताओ जी। मुनेश जी मेरा नाम। अच्छा अच्छा, कैसे योगदान ये रहा जी, जैसे कि इन्होंने अपने बच्चों पे ध्यान ना देके हमारे पे ध्यान दिया। अच्छा, तो फिर हमारे भी दिमाग में आती है कि भाभी हमारा ख्याल रखती है। अच्छा, हाँ जी हाँ, अपने बच्चों की तरह पाला है। अच्छा, जैसे कि हमारे कपड़े फट गए तो अपने बच्चों को ना कहेगा, हमें कहती थी कि तुम्हारे कपड़े फट गए तुम दूसरे ले आओ। हाँ जी हाँ। कहाँ गए आप? बेड़े के जी। बेड़ा थ्रू जी हाँ। ये भोपे के पास पड़ता है जो? नहीं सामने के पास। उनके पास जी। उनके पास। उनके पास। हाँ जी जी। अच्छा हमें आप बताइए, आपकी ये चार बहुएं यहाँ बैठी है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता? नहीं जी बहू नहीं है जी। सॉरी दुरानी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी दुरानी जेठानी? हाँ जी हाँ जी जी। हमारी दुरानी है, छोटे छोटे साथ। जी जी
बस हम घर का काम बेचारी कर ले, हम अपना खेत खाद का कर ले। जी जी पांच कौन बनाती है रोटी, वहाँ हाथ उठा रहा, रोटी कौन बनाती है रोटी? जी जैसे जैसे ये आती रही बेचारी, ऐसे ऐसे ये रोटी पर लगती रही। अभी रोटी की जिम्मेदारी किस पे है? जी तो छोटे वाली आगे सबका जी बताइए। 25 आदमी का खाना आप बना दिया, आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं। अच्छा आपके माता पिता का क्या नाम है और आप कहाँ से हैं ये बताओ? लोडनी से, सहारनपुर से। देखो जी प्रीति जी है सहारनपुर से, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनके माता पिता ने इनको बहुत ही बढ़िया संस्कार दिया। नहीं तो आजकल क्या है ना, माता पिता ऐसा घर ढूंढते हैं जहाँ तक मेरा मानना है जिसमें बिल्कुल एक लड़का हो और एक लड़का ही हो और वो घर से निकल ले छुट्टी। चलिए अच्छा लगता है आपको परिवार में, कोई परेशानी नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी होता है? अच्छा कपड़े कौन धोता है? आपकी वीडियो देखी थी मैंने, वो वाला काम नहीं है कि एक दिन सब रेस्ट पर रहेगी और दो दिन में काम करेगी, ये मिलजुल के आपस में कपड़े धोती है और आपस में खाना बनाते हैं। ये बड़ी भाभी, हाँ ये बड़ी भाभी से छोटे वाली है, हाँ जी हाँ, फिर उनसे छोटी ये है, फिर ये मेरी वाइफ है। अच्छा हाँ जी, कोई ना झगड़ा नहीं कभी भी, ज्यादा तो नहीं भाई, इतना काम ज्यादा कर लिया आज मैं, इतना काम कम किया नहीं, नहीं नहीं बहुत बढ़िया जी, बहुत होटल में तो नहीं चले जाए छुट्टी छट्टी। अब हमें आप ये बताओ मुनेश जी, मुनेश नाम था ना? हमारा नाम मुनेश। ऐसे कर लो, ऐसे उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो घर में ज्यादातर, मेरा मानना है जी जी, जो झगड़े हाँ, जो भाई बहन न्यारे होते हैं, ठीक है मुझे आप बता देना जहाँ मैं गलत बोलूँ, कहीं ना कहीं औरतों का ही हाथ होता है, ठीक है कभी भी भाई भाई ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने भाई से, नहीं जी हम तो एक है भाई, तो आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से समाज को? हाँ जी हम तो यही कहना चाहे, अब जी तुम जितना काम बढ़ाओगे अपने अच्छा करोगे जी, और जी जितना अपना चुप होकर काम करो, जहाँ काम करो जहाँ सही सही प्यार मोहब्बत से चलो, भाई लड़ाई झगड़े ना करो, जितनी अपने गाड़ी देगा पोल्टी पर चलो उतना अच्छा है जी, संकट से प्यार से रहोगे ना, लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं चाहते हम तो, लड़ाई झगड़ा जी हम तो यही नहीं चाहते हमारे में लड़ाई हो, बस जितना काम हो अपना प्यार से करो, प्यार से रहो जी। अब इनके पांच बच्चे शादी होगी, जा खाना मिल जा अपना, खाना खुना खावा, नावा दवा प्यार सर हो जा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर चलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। देखिए आपने इनकी बात सुनी, बहुत बढ़िया लगा, सब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है जी, इकट्ठे रहने के बहुत फायदे हैं भाइयों, अब ऊपर चलते हैं, देख लो ये इनके बच्चे हैं भाई, चलो जी चलो ऊपर चलते हैं, आइए सर ये देख लो, वीडियो में बने रहे भाइयों, इनके होटल वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है जी, आगे हम ऊपर, ठीक है जी, ये इनका कमरा है, ये है जी, ये माँ लेटती है इसमें, यहाँ इसमें बच्चे, यहाँ माता जी का कमरा है, इसमें हमारे बच्चे लेट जा माँ के पास में। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया जी, ये बड़ी भाभी का है जी। अच्छा अच्छा, और बड़ी भाभी की लड़कियों की शादी हो चुकी है, इकट्ठे में हुई है जी। अच्छा अच्छा, इकट्ठे में बड़े भाई की जो लड़की थी उनकी शादी हो गई जी जी, हाँ जी हाँ, चलिए ये उनके फोटो है, ये छोटी लड़की है, ये बड़ी है, चलिए बहुत बढ़िया जी, ये बड़ी भाभी का कमरा था। अच्छा अच्छा, ये एक रसोई है, एक रसोई नीचे है। अच्छा, इसमें क्योंकि सब एक जगह खाना खाते हैं तो ऊपर ही खाते हैं, ये खाली है, ऊपर रसोई, हाँ ऊपर है रसोई जिसमें खाना बनता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो नई जो नई शादी हुई है छोटे भाई की, अच्छा अच्छा, ये कमरा उसका है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ, शानदार कमरा बनाया आपने, बहुत चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके होटल देख लेते हैं, होटलों पे चलते हैं, चलो ठीक है जी, अभी ऊपर वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक है अब हम आपको इनके होटलों पे लेके चलते हैं, चलिए भाइयों।